हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे इन्फिनिक्स S5 प्रो में और रेडमी नोट 8 में और जानेंगे दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले से। तो इन्फिनिक्स की डिस्प्ले है 6.53 इंच की, रेजोल्यूशन है 1080x2220 पिक्सल और इसमें IPS LCD डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। बात करें MI की डिस्प्ले की तो इसमें 6.3 इंच की डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल और इसमें IPS LCD डिस्प्ले का यूज किया गया है। डिस्प्ले के मामले में इन्फिनिक्स का फ़ोन आगे निकल जाता है। बात करते हैं रैम की, तो इन्फिनिक्स में है 4 GB की और MI में है 4 GB और 6 GB की। बात करते हैं मेमोरी की, तो इन्फिनिक्स में 64 GB और MI में है 64 GB और 128 GB की। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो इन्फिनिक्स का है MediaTek का P35, CPU है 2.2 GHz ऑक्टाकोर का और इसमें 12 nm का FinFET और इसका GPU है पावरफुल है 8320 का और MI का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का है 665 का है, CPU है 2.0 GHz ऑक्टाकोर का और इसमें 11 nm का FinFET और इसका GPU है 610 का। प्रोसेसर के मामले में MI का फ़ोन आगे निकल जाता है। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इन्फिनिक्स का है Android 10 Pie का और MI का है Android 11 0 Pie का। बात करें बैक कैमरा की, तो इन्फिनिक्स का बैक कैमरा ट्रिपल है, 48 MP+, 8 MP+, एक है लो लाइट सेंसर और MI का बैक कैमरा क्वाड में ही 48 MP+, 8+, 2+, 2 MP का। बैक कैमरा के मामले में MI का फ़ोन आगे रह जाता है। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो इन्फिनिक्स का फ्रंट कैमरा 16 MP का है वो भी पॉपअप और MI का 13 MP का है। फ्रंट कैमरा के मामले में इन्फिनिक्स का फ़ोन आगे निकल जाता है। बात करते हैं बैटरी की, तो दोनों फ़ोनों में सेम है, 4000 mAh की बैटरी दी हुई है दोनों फ़ोनों में। दोनों फ़ोनों में नॉन रिवर्बल बैटरी है, दोनों की बैटरी का आप निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्जर की, तो इन्फिनिक्स का चार्जर है 10 W का और MicroSP का सपोर्ट है और MI का चार्जर है 18 W का और Type-C का सपोर्ट है और दोनों फ़ोनों में ही 3.5 mAh दिया हुआ है। बात करते हैं सिम की, तो दोनों फ़ोनों में 2 सिम 7 MHz का आप डाल सकते हो और कनेक्टिविटी दोनों में 3G और 4G की है और दोनों फ़ोन की वारंटी सेम है 1 साल की। फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों फ़ोनों में दिया हुआ है, फेस अनलॉक भी दोनों में है और LED फ्लैश लाइट भी दोनों फ़ोनों में दी हुई है। बात करते हैं कंक्लूजन की, तो इन्फिनिक्स में आपको 6.53 इंच की डिस्प्ले मिलती है, एंड्रॉयड 10 मिलता है, 16 MP का फ्रंट कैमरा है और MI में आपको स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिलता है, 18 W का चार्जर मिलता है, टाइप्स का सपोर्ट है और 48 MP क्वाड कैमरा है। बात करें प्राइस की, तो इन्फिनिक्स का प्राइस है 4 GB और 64 GB का 9999 रुपये और MI का प्राइस है 4 GB और 64 GB का 9999 रुपये और 6 GB से 28 GB का प्राइस है 12999 रुपये। अगर आप दोनों फ़ोन से कोई फ़ोन लेने की सोच रहे हो तो आप MI के साथ जा सकते हो। अगर गेमिंग के लिए फ़ोन ले रहे हो, अगर आपको पॉपअप कैमरा चाहिए तो आप इन्फिनिक्स के साथ जा सकते हो। बाकी आपकी सोच है, आपको देखना कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद आता है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया।